हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बारे में आज हम बात करते हैं। और इसके हम पार्ट्स जानेंगे कि इसके पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ में देखते हैं इसमें स्लाइड कैसे सेट करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। अभी हम वर्तमान टाइम में बात करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग ना के बराबर हो गया है। अब जो प्रयोग किया जाता है वो कॉलेजों में, स्कूलों में या लैब जो होती है उनके अंदर माइक्रोस्कोप होता है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो आज हम बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके भागों के बारे में। देखो, आपको ये दिखाई दे रही है, सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं। ये यहाँ पे जो लेंस होता है, ये है लेंस। ये लेंस क्या करता है, आवर्धन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। ये लेंस जो होती है, ये 10x आपको दिखाई दे रहा होगा, 10x, उसके साथ साथ में ये 8x का भी होता है, 10x का भी होता है, ठीक है, या 50x का, 15x का भी होता है। इस प्रकार इनकी आवर्धन क्षमता अलग अलग होती है। तो ये यहाँ पे लगा होता है लेंस इसका। उसके बाद जो आपको ये दिखाई दे रही है फोल्ड आर्म, इसको हम बोलते हैं फोल्ड आर्म। ये ऐसे फोल्ड हो सकती है, देखो ये इस प्रकार, हम इसको इस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये इसको बोलते हैं हम फोल्ड आर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ चलते हैं, जो ये आपको ये दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं मूवेबल आर्म। मूवेबल आर्म ये क्या करती है, हलचल करती है। जैसे ये आपको ये दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट स्क्रू। क्या होते हैं ये, क्या कार्य करते हैं ये, इस भुजा को ऊपर और नीचे करने का कार्य करते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्लाइड रखेंगे तो स्लाइड में जो जिस चीज़ की भी जो स्लाइड होगी उसको हम देखेंगे, तो इस एडजस्टमेंट नूब के द्वारा हम इस भुजा को ऊपर नीचे करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस भुजा को बोलते हैं हम मूवेबल आर्म। उसके बाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये, इसको बोलते हैं स्टेज। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेज। इस भाग को बोलते हैं स्टेज। स्टेज क्या कार्य होता है, स्टेज पर स्लाइड रखी जाती है। देखो आपको ये स्लाइड दिख रही है ब्लास्टुला की, ये इस स्टेज पर रखी जाती है, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये, इनको बोलते हैं स्लाइड क्लिप। क्या बोलते हैं, स्लाइड क्लिप। ये काम क्या काम आती है, ये स्लाइड क्लिप जो होती है ये स्लाइड को स्टेबल बनाए रखने का कार्य करती है, स्थिर बनाए रखने का कार्य करती है, कि स्लाइड हलचल नहीं करे, ठीक है। तो स्लाइड को स्टेबल बनाए रखने का कार्य करती है, जो कौन करती है, क्लिप करती है। उसके बाद ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये, इस भाग को बोलते हैं फुट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फुट। फुट के साथ जो आपको ये भुजा दिखाई दे रही है ये, इसको हम बोलते हैं लिंब। इसको हम क्या बोलते हैं, लिंब। इस वाली भुजा को हम बोलते हैं लिंब। उसके साथ जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मिरर, रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये क्या कार्य करता है, ये प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है इस लेंस के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके अंगों के बारे में, लेंस हो गया, ये फोल्ड आर्म हो गई, ये मूवेबल आर्म हो गई, ये क्लिप हो गई, ये स्टेज हो गया, ये इसकी एडजस्टमेंट नूब हो गई, ये इसका लिंब हो गया, ये इसका फुट हो गया, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग मिरर हो गया। अब देखो स्लाइड कैसे सेट करते हैं इसके, इसमें अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले इस लेंस को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि इस पर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर आए, इस लेंस के अंदर दिखे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस लेंस को एडजस्ट किया कि प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आए। अब यहाँ पे हमने क्या रखी है, स्लाइड रखी है जो ब्लास्टुला की है, ब्लास्टुला स्लाइड है। इस स्लाइड को हमने यहाँ पर रखा, और अब इस फोल्ड आर्म के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, और इसको क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर एकदम सेट करते हैं। इस प्रकार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद क्या होता है, अपना जो
मेन काम होता है वो होता है इस एडजस्टमेंट नोब के द्वारा इसको मूवेबल कराना, हलचल कराना, इसको इस प्रकार एडजस्ट करना ऊपर और नीचे कि आपकी जो स्लाइड है वो आपको क्लियर दिखाई दे, स्पष्टता दिखाई दे। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम ऊपर और नीचे करके इसको क्या कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं और हम एम्ब्रियोलॉजी में ब्लास्टुला स्टेज को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।